ओके जी, तो अब बारी आती है जनाब रान की, और रान को किस तरह से बनाया जाता है हसन भी थोड़ा सा हमें गाइड भी कीजिएगा कि इसके अंदर एक हदूद होती है ऊपर से झिल्ली किस तरह से उतरनी है। ज़रा थोड़ा सा हाथ स्लो रखिएगा अपना ताकि मेरे व्यूवर्स जो हैं उनको अच्छे से समझ आ सके कि दस्ती का गोश्त जो रान का गोश्त है वो कैसे बनाना है। तो रान मोस्टली तो ईद पर ये होता है कि लोग रखवा ही लेते हैं कि जी छट दो इन रोस्ट करावाएंगे ऐसी, ठीक है। तो जो अगर बनवानी हो तो वो किस तरह से बननी है ये भी आप देख लीजिएगा गौर करके कि ये सारे जितने भी हैं ना मसल्स इसके खुलते हैं, ये झिल्ली खुलेगी तो मसल्स निकलेंगे बाहर। ऐसी है जी ऐसा वेज फ्रेम बहुत अच्छा आ रहा है समझ okay. और मैंने हिला दिया कैमरा साथ ही नज़र नज़र लग गई ये क्यों खोलते हैं ताकि वो मुड़ जाए आराम से क्या थी? ये हाँ ये जो आपने खोला ये टक लगाया जो ये से जाती है। अच्छा ये जाया है जो आपने निकाला ये तो अच्छा जाया ही है ठीक है। ये वो है क्या? वो जो मैंने निकाला था हाँ वो है। ये वो है, वो है। ओके वो है छोड़ दे देखने वाले भी समझ समझ जाएंगे ये क्या है। अच्छा बकरी जो होती है उसका गोश्त डिफरेंट होता है? नहीं होता। बकरी हर चीज का बकरे टाइप होता है दोंदी दोंदी के साथ नहीं नहीं मतलब कहने का मकसद ये है कि टेस्ट का फर्क होता है बकरी टेस्ट का फर्क होता है वो अच्छा होता है वो थोड़ा सा मिल्की टाइप उसमें ज्यादा आता है वो अल्लाह ने वो रखा ही उसको इस तरह से है कि इस पट्टे के नीचे से जो है वो निकलेगी। ये कूला कहते हैं जी इसको जो आपने काटा अभी कुन्नी यहाँ से निकलेगा वो हदूद हदूद कहते हैं इसको नार भी होती है नार होती है। अच्छा ये वेन चल इसमें ब्लड चलता है इसमें ब्लड होता है ब्लड की वेन है बेसिकली वैसे आप मूवमेंट करते हैं ये गुड मूवमेंट करते हैं रस्सी ऊपर खींच लो ले जी ये हमारी बन गई रानें भी है जी रानें भी ऑलमोस्ट तैयार है हिल रही है नीचे से भी ना मुड़ी ये जो हमने उसका वो खोला था मतलब रिब्स जो खोली थी जो हराम मगज़ निकालने के लिए बेसिकली तो मतलब आर पार ही करना होता है हराम मगज़ हम कहते हैं निकाह से निकाल देते हैं उसको करना कुछ
ये ज़्यादा समझा जाएगा गर्दन के ऊपर अच्छे तरीके से किस तरह से इसको निकाला जा सकता है, क्या ख्याल है? ये अगर प्रॉपर तरीके से नहीं निकलेगी, क्या चीज़? वो ही हड्डी जो सेंटर वाली काटते हैं हम, रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं बैकबोन, अगर वो सेंटर से नहीं कटती है तो फिर आपके ना रिब्स अच्छे निकलेंगे, हाँ, ना आपका जो है वो अच्छा निकलेगा, क्या इसको कहते हैं, गर्दन का गोश्त, क्योंकि ये भी बड़ा मज़ेदार होता है गर्दन का गोश्त भी खाने में। जलाने तैयार ले जी।